भी बाइक है उसका हम मॉडिफिकेशन करने वाले, मतलब थोड़ा बहुत में, एंड उसमें तो प्रॉब्लम ये आया था, यहाँ पे जो ब्रेक पूरा कर्व हो चुका है, स्क्रैचेस आ चुके हैं इस ब्रेक में। और इसमें भी रेडियम का भी काम होगा, एंड मैं निकल जाऊंगा अभी गाड़ी से ट्यूशन के लिए भाई, और देखते हैं आके क्या 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 मौसम होता है। लेट लग रहा है, बाकी नीचे से तो उधर से ट्रेड लग गया है। फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा सीधे। तो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे कौन न्यू ब्रांड न्यू ब्लॉग में। एंड गाइस, यहाँ अब नवरात्रि शुरू हो चुका है, सो बाय द वे सभी लोगों को हैप्पी नवरात्रि। एंड आज है नवरात्रि का चौथा दिन, एंड दशहरा भी आएगा इसके बाद। सो अभी मैं तो ऊपर नहा लिया हूँ, एंड अभी हम करेंगे पूजा माता रानी की। सो हमने मंदिर भी सजा रखा है। सो आज जो मेरी बाइक है उसका हम मॉडिफिकेशन करने वाले, मतलब थोड़ा बहुत काम करवाने वाले उसमें। सो मेरी बाइक जो है थोड़ा सा किचन में गिर गई थी, तो उसमें जो ब्रेक है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है और स्क्रैचेज आ चुके हैं, तो उसको ठीक करवाना है। सो अभी मैं आपको मंदिर दिखा देता हूँ पूरा। तो ये रहा हमारा मंदिर, हमने कुछ ऐसा सजा रखा है। सो ये माता रानी माता, एंड अभी हम पूजा करेंगे सीधे। सो दिस इज भाई पूरा डेकोरेशन, एंड अभी हमने साउंड बॉक्स भी रखा हुआ है आरती करने के लिए। सो ये अभी करेंगे हम सीधे पूजा। जैसे अभी पूजा हो चुका है, एंड या अभी जाएंगे और गाड़ी को धुलवाने के लिए, कार को हमारी उसको धुलवाने के लिए जाएंगे। उसके बाद पापा बुलाएंगे मुझे रमेश सर, उधर हम अपनी बाइक का मॉडिफिकेशन करेंगे, एंड मैं आपको नीचे चल के दिखाऊंगा कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई है। तो ये सभी मैं नीचे आ चुका हूँ, एंड अभी कुछ बदल रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हो दो, एंड यहाँ अभी मैं नीचे आ चुका हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी मैं निकलूँगा सीधे इसकी इसको ठीक करवाने के लिए। सो सबसे पहले जो मेरी बाइक गिरी थी वो इस साइड से गिरी थी कीचड़ में, एंड उसमें देखो प्रॉब्लम ये आया था, यहाँ पे जो ब्रेक पूरा कर्व हो चुका है, स्क्रैचेस आ चुके हैं इस ब्रेक में, और योरा ब्रेक देखो इस पर कोई स्क्रैचेस नहीं है और ना ही मतलब कर्व है, इसमें कर्व आ गया, ठीक है, पहला प्रॉब्लम ये है। और बाकी इसमें बारन मिरर में स्क्रैचेज आ गए हैं बारन मिरर में, एंड इसका तो भाई अलग है, इसका तो शीशा ही निकल गया, ग्लू शायद निकल गया, तो मेरे को ये भी लेना होगा, मेरे पास है इसका। फिर आता है हमारे लेग गार्ड के ऊपर, हम आते हैं, एंड यहाँ पर जैसे पूरा स्क्रैचेज लग चुके हैं इधर, ये पूरा टेढ़ा हो गया था, इसको मैंने ठीक करवाया है पैर से, एंड ये पूरा टेढ़ा हो चुका था, देख सकते हो, इसको भी करवाना है। एंड साइलेंसर पे देख सकते हो, साइलेंसर पे भी पूरा स्क्रैचेस और ये पूरा पचक गया, इसको कराना है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड देखूंगा इसमें अगर फॉग लाइट लग चुका है तो फॉग लाइट भी लगा दूंगा, एंड या अभी निकलते हैं सीधे मॉडिफिकेशन के लिए। सो अभी तो मैं उधर ही जाऊँगा सीधे निकलते, कि पापा बहुत तेज जल्दी बुला रहे हैं। सो कैसे अभी मैं आ चुका हूँ, एंड यहीं पर होगा अभी जितना भी स्क्रैचेज आए वो रिमूव होगा, या ब्रेक जो टेढ़ा हो चुका है वो सही होगा, और इसमें फॉग लाइट भी लग जाएगा अभी। रेड ब्लू भैया सो अभी यहाँ पे ये वाला फॉग लाइट लगेगा, एंड अभी तो मैं जाऊँगा सीधे घर, मतलब 2:40 पे, क्योंकि मैं सर आएंगे ना, उसके बाद आऊँगा तो देखूँगा कि सारा लाइट लगा है कि नहीं लगा। और इसमें अभी रेडियम का भी काम होगा। सो कि जैसे यहाँ पे अभी टाइम लगेगा, तो हम बाइक लेके चलते हैं अभी रेडियम दुकान, उधर काम करवा लेते अपना। ये सभी हम आ गए यहाँ पे रेडियम शॉप पे, अभी यहाँ पे काम करवाएंगे हम थोड़ा बहुत इसमें, एंड मैं निकल जाऊँगा अभी गाड़ी से ट्यूशन के लिए भाई, और देखते हैं आके क्या 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 मौसम होता है। सो कि जैसे अभी मैं निकल रहा हूँ सीधे घर के लिए, अब अगर 4 बजे तक, इनके 1 घंटे का मेरा ट्यूशन होता है, अगर 4 बजे तक नहीं हुआ तो मैं आ जाऊँगा वापस। सो यहाँ निकलते मेरा घर पे सीधे गाड़ी पहुँच जाएगा। सो चले
सो ये सभी अब मैं आ चुका हूँ एंड यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन हुई है, अभी फॉग लाइट लग रहा है, बाकी नीचे से तो उधर से ट्रेड लग गया है, बाकी फाइनल लुक आपको दिखाऊंगा सीधे। ओके गाइस, अभी मैं था टेप लेने के लिए एंड उधर अभी गाड़ी का काम चल ही रहा है। ओके गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ घर पे एंड ये रही बाइक, एंड बाइक में क्या क्या लगा है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो लगा है ठीक है, पहली बात ये फॉग लाइट लगी भाई हैवी वाली, ठीक है दो, और फिर ये लगा हुआ है, ये दो चीज़ लगी हुई है बाइक में। एंड और क्या रिपेयर हुआ है वो आपको बता देता हूँ। रिपेयर देख सकते हो इस प्लस साइलेंसर, जो कि बिफोर देखोगे तो वहाँ पे एकदम लग रहा था कि स्क्रैचेस है, लेकिन अब मिनिमम से हो गए एकदम माइनर एकदम, और कुछ अच्छा भी लग रहा है। एंड अब आती है मिरर के बारे, तो मिरर ग्लू लेके आएंगे और पापा तो उसको लगा देंगे अभी। एंड यहाँ पे देखते हो इसका फॉग लाइट का स्विच यहाँ से है, एंड ये ब्रेक के लिए मुझे जाना पड़ेगा एजेंसी में ही ब्रेक ठीक होगा अब। और यहाँ पे पूरा देखते हो अब लुक अच्छा हो गया है, और यहाँ पर मैंने रेड एंड ब्लैक का इसलिए लगाया क्योंकि ब्लैक गाड़ी जो है ब्लैक और रेड है, और ये इसलिए लगाया है क्योंकि अंदर स्क्रैचेस थे उसको मिटाने के लिए लगाया है। मैं आपको गाड़ी का पूरा सिनेमेटिक लुक रात में दिखाऊंगी, रात में इसका मजा है भाई, सो रात में दिखाऊंगा सीधा आपको।